हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही दो सिंपल क्विक सी रेसिपी जो हर एक नॉनवेज वालों को हेल्प करेगी। तो जैसे कि चिकन फ्राई, और एक दूसरी रेसिपी जो आपको आगे पता चलेगी। तो क्विक आपको एकदम झटपट सी रेसिपी मैं बता रही हूँ। चिकन ले लेना है, चिकन आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसे अच्छे से नमक पानी से भी वॉश कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से पानी जो है ना वो पूरा निकल जाने दिया है। उसके बाद ये एक चिकन मसाला आता है जो मेरे खजानों में तो हमेशा होता है, यानी कि मेरे किचन के पिटारों में तो ये आपको ज़रूर से मिलेगा। क्योंकि ये मतलब आप है ना, अगर लेके आए हो बाज़ार से चिकन, बस मसाला लगाओ, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दो और बस आपका जो रे बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट से अब कर लेते हैं तेल को गरम, और आप देख सकते हो क्या मज़ेदार लग रहा है। पहले इसका कलर बिल्कुल फीका लगता है पाउडर मसाले का, और जैसे ही ये चिकन के साथ मिक्स होता है अमेजिंग कलर हो जाता है। तो तेल हो गया है गरम, अब मैं इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस को डाल दे रही हूँ। और बस कुछ नहीं करना है, बस अब ले लो चटनी, सेजवान चटनी, हरी चटनी, जो भी आप कह लो, या आप ऐसे इसको सादा भी इंजॉय कर सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही आपको इजीली मार्केट में ये मसाला जो है वो मिल जाएगा। तो ज़रूर से चेक करिएगा, ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है कलेजी फ्राई। तो कलेजी फ्राई ना ड्राई बनाते हैं किस तरीके से वो मैंने आपको बताया है, पर आज मैं आपको एक और नया तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही इंस्टेंट है ना। जो कुकिंग होती है ना वो हल्की सी छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी चेंज करने से उसका जो स्वाद होता है काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कर लिया है सरसों के तेल को अच्छे से गरम। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हो तो आप कोई भी जो ऑयल खाते हो वो ले सकते हो। उसके बाद उसमें दो प्याज डाला, प्याज थोड़े ब्राउन होने लगे, डाल दिया कलेजी। यहाँ पे मैंने लिया है घाटी मसाला, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक लिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा मसाला, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा मैंने जो चिकन रेडीमेड मसाला था ना वो भी मैंने इसमें इस बार ऐड किया है, और थोड़ा सा हल्दी। और आप चाहें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन लाल मिर्च है ना ये घाटी मसाला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो आपको अलग से मिर्च मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ओवर खाते हो तीखा तो आप ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा। फिर क्या करना है, बस इसको पैन को अच्छे से ढक के आप इसको कुक करिए अच्छे से 5 मिनट तक के लिए, और बस ये ना थोड़े ही देर में काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रेसिपी 2 दिन से मेरे पास अपलोड करने के लिए रखी हुई थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो बस मैंने सोचा आज चलो लगे हाथ सबसे पहले फटाफट से रेसिपी को ही अपलोड कर दिया जाए, और आप लोग भी ऐसे इंस्टेंट कुकिंग जो है वो उसका फ़ायदा जो है उठा सकते हो। देखो 5 मिनट बाद आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था मैंने बिल्कुल हल्का सा, और आप देख सकते हो मसालों के बाजू में तेल जो है वो पूरा सेपरेट हो गया है। काफ़ी अमेजिंग है इसका टेस्ट, आप इसको रोटी और चावल मतलब पूरा खाना हो जाएगा। अगर आप इसको नाश्ते में सर्व करते हो तो नाश्ते में सर्व करिए, आप खाने में सर्व करना चाहते हो तो खाने में भी इंजॉय कर सकते हो। कैसी लगी दोस्तों मेरी ये रेसिपी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं निधिश किचन में आती रहती हूँ, आपके निधिश किचन चैनल पर हमेशा मैं आती रहती हूँ। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपने मेरे डांस की वीडियो या डांस के शॉर्ट्स वगैरह देखे या नहीं देखे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए तो फिर मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, रेसिपीज़ के साथ, व्लॉग के साथ। तो फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, इन्जॉय करिए रेसिपी को। बाय बाय।